अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपको आसान डिजिटल अकाउंट के हवाले से गाइड करने जा रहे हैं। अगर आप इजी पैसा का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, अपना टेलीनोर इजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट भी आपका है या यू पैसा का भी अकाउंट है, सबका प्रोसेस सिंपल है, सेम है। तो अभी आपको डेमो दिखा रहे हैं कि प्रोसीजर किस तरह आपने करना है, आसान स्टेप्स हैं इसके। तो आसान डिजिटल अकाउंट जो है वो आप किस तरह कर सकते हैं टेलीनोर के नंबर के लिए, उसकी अभी हम वेबसाइट पर आ गए हैं। आप आसान डिजिटल अकाउंट इजी पैसा लिखेंगे और फर्स्ट लिंक ओपन करेंगे और आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें बेनिफिट आपको क्या होता है कि आपका घर बैठ के आप 10 लाख तक की डेली की ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। 10 लाख की आपकी मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख तक की, और मंथली भी आप कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं वो भी आपको बताते हैं, सालाना भी कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो स्टेप्स आगे दिखाते हैं आपको। इजी पैसा के अकाउंट के अपने ऐप ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे आपको अपग्रेड योर अकाउंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो अभी आपके पास तीन स्टेप्स होंगे जिसको आपने फॉलो करना है। उसके बाद आपकी लिमिट जो है वो 10 लाख तक इंक्रीज़ हो जाएगी। डेली आप रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। और सबसे पहले पर्सनल डिटेल आपने देनी है। इसमें आपने अपना CNIC नंबर लिखना है और जेंडर सेलेक्ट करना है, इस अपना CNIC की एक्सपायरी डेट देनी है, फिर मदर नेम लिखना है, फिर अपना फादर का नेम या स्पाउस जो भी है उसको लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सेकंड आपने फिर ये फॉर्म होगा, इसको आपने कंप्लीट करना है कि US के आप सिटीज़न है या नहीं है, डू यू होल्ड टैक्स रेजिडेंसी, ये सारी चीज़ें जो आपको सूटेबल इसमें आपके हवाले से लगती हैं, जिस क्राइटेरिया पर पूरा आप उतर रहे हो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना CNIC का फ्रंट साइड और बैक साइड यहाँ पर अपलोड कर देना है, इसको स्कैन करके कैम स्कैनर से प्रॉपर। ऊपर वाली जगह पर CNIC का फ्रंट और नीचे वाली जगह पर CNIC का बैक साइड। उसके बाद सब टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके नेक्स्ट कर देना है। एंड पर आपकी ऑनलाइन एक पिक्चर खींचने का आपको ऑप्शन मिलेगा, वो आपने अपनी प्रोफाइल अपनी कैमरे से ही पिक्चर खींचनी है एक। उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सबमिट जब आप कर देंगे, आपको 2 दिन का टाइम लिया जाएगा वर्किंग डेज़ का। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो लिमिट जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था, आई थिंक इसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, आप को वो भी दिखा दे जी। तो अभी मैंने अपने आसान डिजिटल अकाउंट में साइन इन कर लिया। तो इसमें आपका डेली की आप देख सकते हैं लिमिट आपकी इंक्रीज़ हो चुकी है, मंथली आपकी आप चेक कर सकते हैं, ईयरली भी आप चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स भी होते हैं, वो भी आपको चेक करवा देते हैं। अकाउंट लेवल 1 नॉन वेरीफाइड होता है और इसमें आपके पास कोई भी सहूलत अवेलेबल नहीं होती। लेवल 0 पे आपके पास सब सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, आपकी ट्रांजेक्शन की लिमिट डेली की 50,000 और मंथली भी 50,000, 2 लाख तक होती है। आई थिंक 50,000 तक की होती है, और लेवल 1 में 2 लाख तक की होती है आपकी मंथली, और पर डे आपकी 50,000 तक होती है, और 12 लाख तक होती है आपकी सालाना। नीचे वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये आसान डिजिटल अकाउंट में आपको ये सारी सर्विसेज, कैश डिपॉजिट विड्रा भी मिलता है, मनी ट्रांसफ़र भी मिलता है, अकाउंट टू CNIC ट्रांसफ़र भी मिलता है, ऑल ऐप फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें इन्हांस्ड ट्रांजेक्शन लिमिट होती है आपकी। अब बेनिफिट क्या है आपके आसान, इधर देखिए, नॉन वेरीफाइड में कोई सहूलत मिल रही, 0 में आपको 2 लाख तक मिल रही है, डेली की 25,000 सच होती है, इसमें मंथली 50,000 लिमिट होती है, ईयरली 2 लाख तक की होती है। इसी तरह रिसीविंग लिमिट भी 25,000 डेली की है, मंथली 50,000 और 2 लाख ईयरली है। उसके बाद लेवल 1 में आपकी अनलिमिटेड है बैलेंस रखने की लिमिट ना, और डेली की 50,000 है और मंथली की 2 लाख है और 24,000 आपकी ईयरली है। अब आसान डिजिटल अकाउंट में 10 लाख तक की मैक्सिमम अकाउंट में रखने की लिमिट है।
तो आसान अकाउंट आप किसी भी बैंक में चले जाओगे या फिज़िकली भी ओपन करवा सकते हो। ये डिजिटल अकाउंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। फिज़िकल जब आप ओपन करवाते हो तब भी बैंक अकाउंट में इसकी पहले लिमिट आई थिंक होती थी आसान अकाउंट की 5 लाख तक, तो इसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया कुछ अर्सा पहले। तो इसका डिजिटल अकाउंट, जो डिजिटल मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन या बैंकिंग जो हम ब्रांचलेस बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो उसमें डिजिटल टर्म यूज़ होती है। फिज़िकल भी अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट CNIC की कॉपी ही फ्रंट बैक आपको चाहिए होती है और आपका अकाउंट ओपन कर देती है। बाकी अकाउंट अगर आपने ओपन करवाना होता है उसमें सैलरी स्लिप आपकी ली जाती है, सोर्स ऑफ इनकम लिया जाता है, नादरा वेयरसेस और दूसरी चीज़ें, ड्यू डिलीजेंस भी कंप्लीट होती है ना। तो इसमें जस्ट आप CNIC की फ्रंट बैक अपलोड करते, 10 लाख की डेली की लिमिट आपकी हो जाती है, मंथली भी 10 लाख है, ईयरली आपकी अच्छी खासी जो है वो आपको सबसे बेहतरीन आसान डिजिटल अकाउंट की ही आपके पास है। बस 10 लाख तक की लिमिट है मैक्सिमम बैलेंस रखने की, तो इतना तो आई थिंक आप इजी पैसा में रखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट में फर्स्ट के लिए नादरा वर्सेस है, कोई सहूलत नहीं है। सेकंड में नादरा वर्सेस सीक्रेट क्वेश्चन होता है, Level 1 के लिए आपका नादरा वर्सेस सीक्रेट क्वेश्चन और बायोमेट्रिक भी होता है। और थर्ड में इन्हांस अपना ये जो डिजिटल आसान डिजिटल अकाउंट है इसमें आपका नादरा वर्सेस सीक्रेट क्वेश्चन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और इन्हांस KYC भी होती है। या आप अपनी अपने एप्लीकेशन जब सबमिट कर देते हो, इनका नुमाइंदा जो आपका CNIC को चेक करता है हर लिहाज से, ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट करने के बाद आपका ये अकाउंट वेरीफाई कर देते हैं। तो ये आपको इसमें आसान डिजिटल अकाउंट में आपको बेनिफिट मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ वीडियोस को भी शेयर करें। और अगर किसी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस के लिए वीडियो बना के आप उनके लिए अपलोड की जाए, तो आप टॉपिक भी बता सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको इसमें समझ ना आई हो और अगर आप समझना चाहते हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस समझ नहीं आ रहा कि अकाउंट किस तरह बनाना है या बनाने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें और वहाँ आपको कमेंट्स में ही गाइड कर देंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, आप हमारा नंबर ले सकते हैं व्हाट्सएप का, हमारे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल में नंबर दिया हुआ है अबाउट में, या आप नीचे कमेंट्स में भी नंबर मांग सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे ही काइंडली रब्ता कीजिएगा, नंबर पे कॉल या मैसेज ना कीजिएगा काइंडली, क्योंकि टाइम मसरूफियत ज़्यादा होती है तो हर टाइम अवेलेबल नहीं होते, टाइम नहीं होता। लेकिन आप व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करके मैसेज कर देंगे, तो आपको जब भी हम फ्री होंगे मैसेज देखेंगे तो उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपको किसी और टॉपिक पर भी अगर गाइडेंस चाहिए, कोई सवाल है आपका या कोई गाइडेंस चाह रहे हैं, तो उस पर भी आप चाहते हैं कि वीडियो बना के आप लोगों के लिए अगर पेश की जाए, वो टॉपिक पे आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।